है तो मुश्किल सवाल लेकिन देखिए नंबर पे डिपेंड करता है अगर आप जिस नंबर पे मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं इस नंबर पे मैं अपने आप को प्योर ऑलराउंडर समझता हूँ लेकिन अगर आप नंबर्स अगर मैं नीचे खेल रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर माइंड मेरा होता है कि मैंने पहले बॉलिंग करनी है और उसके बाद अगर बैटिंग में आपको मिलती है तो ठीक है लेकिन नंबर्स पर टोटली डिपेंड करता है कि माइंड कैसा है मेरा देखिए जब भी किसी मैच पे भी आप जाते हो या किसी टूर्नामेंट पे भी जाते हो तो आप डेफिनेटली जीत के जो हमारे जो सिंपल प्लान है हम उसको कोशिश करेंगे वो एग्जीक्यूट करें एज ए टीम दूसरा आप बहुत लंबा है वर्ल्ड कप बहुत दूर है अभी तो पीएसएल एस एल में ऑलराउंडर रौं हूँ तो ठीक है बस बाकी तो जब टीम में सेलेक्ट होऊंगा क्योंकि पिछली सीरीज मैंने नहीं खेला था अभी होपफुली मैं कम बैक करूँ और टीम में जो भी रोल दिया जाएगा उसको कोशिश करूँगा कि वह उसको पूरा करूँ नहीं मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ पीछे से आ, क्योंकि जिस तरह का वेदर था आ, मेरी टीम से बात हो रही थी क्योंकि यहाँ मैं काफ़ी क्रिकेट खेलूँ और इसके वेदर पे आप क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और इसकी वजह से वो मॉइस्चर रहता है पिच में और इतनी ज़्यादा धूप भी नहीं निकल रही जिससे मॉइस्चर ख़त्म हो जाए आ, और इस तरह की सी मूवमेंट तो अब जितनी सर्दी है वो रहेगी दूसरा ईशान भाई के साथ तो इन द फील्ड कुछ ना कुछ वो उनको थोड़ा मेरे ख्याल से गलफहमी हुई थी जिसकी वजह से वो गुस्सा हुए लेकिन इन द फील्ड चलता है तो वो तो ऐसा कोई बात नहीं देखिए पहले तो हमने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करना है दूसरा आ, हैदर अली जिस तरह अब मेरे से पहले भी एक सवाल हुआ था पी स्टार्ट होने से पहले तो की प्लेयर उन्होंने पूछा था तो मैंने हैदर का नाम दिया था कि जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा था जो हमारे प्रैक्टिस मैचेस हुए या हमारा जो कैंप लगा जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा था तो वो हमें उस तरह लगा और अनफॉर्चुनेटली वो हमारा टीम का कम्बिनेशन ऐसा बना जिसकी वजह से उसको चांस नहीं मिले तो हमारा पूरी हम उसको पूरी बैक कर रहे थे उनके उसके साथ बात हो रही थी और जिस तरह का आज उसने शो किया हमें सबको पता है कि जिस तरह का उसमें पोटेंशियल आया उस अनफॉर्चुनेट उस तरह परफॉर्म नहीं किया लेकिन ए, ऐसे प्लेयर्स को जब आप एक अच्छा एटमोसफेयर देते हैं तो वो डेफिनेटली परफॉर्म करता है और हमें पूरा बिलीव है कि वो आने वाले मैच में भी उसी तरह परफॉर्म करें पिच का तो अब आप, आपको मैं क्या बोल सकता हूँ मुझे तो लगता है कि ये इसमें इस एक लिहाज से अच्छी भी है एक लिहाज से बुरी भी है अगर आप देखें कि अगर आप एज ए बैट्समैन यहाँ पर रंस करना थोड़ा मुश्किल है और आपको थोड़ा आ, अपनी शॉट्स को रोकना पड़ता है आपको सेट होना पड़ता है ऐसी पिच पे, तो उस लिहाज से अच्छी अगर आप आ, क्राउड के लिहाज से देखें शायद उनको अच्छा ना लग रहा हो क्योंकि वो जिस तरह की उन्होंने 200, 250 का माइंड बनाया हुआ था उस तरह की पिच नहीं खेली तो वो भी हो सकता है दूसरा क्राउड का हमेशा पिंडीगल क्राउड तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है आ, मैं इसी शहर से खेलता भी हूँ तो होम टाउन है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जिस तरह वो हमारी टीम को और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो काफ़ी इन्जॉय हैं तो नहीं देखिए एक दुनिया में ना कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो अपना कोई नुकसान करना चाहे तो मैं भी वही इंसान हूँ तो मुझे पता है कि जब तक तो मैं बॉलिंग करूँगा करूँगा तो मैं टीम में रहूँगा तो ऐसा नहीं है कि मैं बॉलिंग नहीं और उसमें मेरा फोकस नहीं है देखिए ऑलराउंडर के टी ट्वेंटी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं आज मेरा बॉलिंग में दिन नहीं था तो मुझे बैटें में हेल्प मिली और वो मेरा मैच अच्छा चला गया अगर मैं ऑल ना होता तो मैंने जिस तरह के दो ओवर में मुझे पड़े हैं तो डेफिनेटली एज ए प्लेयर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक होता है लेकिन आपके पास एज ए आल आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप तीन में से किसी एक चीज़ में भी अगर आप करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा उस लेवल पर मेनटेन रहता है आपने जिस तरह फ़हीम को भी देखा होगा फ़हीम ने लास्ट मैच में जिस तरह की बैटिंग की है वो आज उसकी बॉले में भी वो निखार नजर आया तो ऑलराउंडर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और दूसरा ऐसा मेरा कोई माइंड नहीं है या कि मैं बहुत ज़्यादा बैटिंग में फोकस करता हूँ तो वो एक नेचुरल भी है मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने शुरू में तो बैट्समैन था फिर मैं मेहनत करके बॉलर बना था तो वो एक बैटिंग मेरी नेचुरल भी है उसमें मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती आ, बॉले में मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो मैं करता हूँ हसन अली को मैंने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी किस लिहाज से किस लिहाज से नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं आपको ऐसा लगो पिच असल में ऐसा पिच था कि वो फास्ट बॉलर को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था